दोस्तों, डीडी फ्रीडिश की ओर से सबसे बड़ी जानकारी सामने आई है। आपने देखा ही होगा कि अभी हाल ही में डीडी फ्रीडिश की ओर से कुछ नई फ्रीक्वेंसीज को अलॉट किया गया था, और इसके अलावा उन्होंने जो है उसी फ्रीक्वेंसीज के अंदर कुछ नए स्लॉट्स भी हमारे लिए बढ़ाए थे। अगर हम एक फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें तो उसके अंदर 30 स्लॉट्स बढ़ाए गए थे, और यहाँ पर डीडी फ्रीडिश की ओर से कुल दो फ्रीक्वेंसीज को लॉन्च किया गया, जिसके अनुसार टोटल 60 स्लॉट्स यानी कि 60 नए स्लॉट्स जो है यहाँ पर ऐड किए गए थे, जिसके अंदर कुछ HD चैनल को भी टेस्ट किया गया और कुछ दूरदर्शन के चैनलों को भी टेस्ट किया गया था। अभी जितने भी 60 स्लॉट्स हमारे लिए बढ़ाए गए थे दोस्तों, वो सभी के सभी आपके MPG4 के अंदर बढ़ाए गए थे। इन चैनलों को देखने के लिए आपके पास एक MPG4 का बॉक्स अनिवार्य था। इवन आने वाले समय में जो है आपको MPG4 बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी इन चैनलों को देखने के लिए। अब हुआ यह है कि अचानक से डीडी फ्रीडिश की ओर से इन चैनलों का ट्रांसमिशन ऑफ कर दिया गया है, या फिर कह लिया जाए तो जो दो नई फ्रीक्वेंसीज हमारे लिए बढ़ाई गई थी उसके सिग्नल्स को बंद कर दिया गया है। अब इन फ्रीक्वेंसीज पर सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं और न ही कोई चैनल देख पा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब सिग्नल ही नहीं आएंगे तो हम चैनल कैसे देख पाएंगे। तो डीडी फ्रीडिश की ओर से ऐसा क्यों किया गया है कि रिसेंटली इन चैनलों को टेस्ट किया गया, नई फ्रीक्वेंसीज को काफी समय तक हमारे लिए बरकरार रखा, जारी रखा, और अचानक से फ्रीक्वेंसीज को ऑफ कर दिया है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दूंगा कि आने वाले समय में कोई उम्मीद है भी या नहीं है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। चैनल पर पहली बार आए हो तो उम्मीद करूंगा सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियोज के आगे भी सबसे पहले जरूर मिले। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हुआ ये है किन फ्रीक्वेंसीज को फिलहाल टेस्ट ट्रांसमिशन में रखा गया है। अभी तक ये फ्रीक्वेंसीज ऑफिशियली शुरू नहीं हुई हैं और ना ही डीडी फ्रीडिश की ओर से इन फ्रीक्वेंसीज को रिनेम किया गया था। आपने देखा ही होगा कि सभी टेस्ट नाम से आ रही थी और ये टेस्ट मोड में चल रही थी, तो इन फ्रीक्वेंसीज को फिलहाल टेस्टिंग किया जा रहा था कि इसमें कितने चैनल्स को बढ़ाया जा सकता है और कितने चैनल्स को लॉन्च किया जा सकता है। इन सभी चीजों को फोकस किया गया, इन सभी चीजों को टेस्ट किया गया, और उसके बाद आखिरकार फिलहाल इन फ्रीक्वेंसीज को ऑफ कर दिया गया, यानी कि प्रसार भारती जो है वो रेडी है इन फ्रीक्वेंसीज को कभी भी हमारे लिए शुरू करने के लिए। और ये भी हो सकता है कि फिलहाल इनको MPG4 में टेस्ट किया गया है, लेकिन अब हो सकता है कि इसको कुछ समय बाद MPG2 के लिए टेस्ट किया जाए, क्योंकि डीडी फ्रीडिश को भी यह नोटिस है कि MPG2 की सबसे अधिक डिमांड है MPG4 के मुकाबले में। तो कुछ भी हो सकता है कि कुछ दिनों बाद आपको यही फ्रीक्वेंसीज MPG2 के अंदर टेस्ट होते हुए दिखाई दे, लेकिन MPG2 में क्या है ना, चैनल्स को ज्यादा लॉन्च नहीं किया जा सकता। जहां आपने देखा कि अभी MPG4 के अंदर एक फ्रीक्वेंसी के अंदर 30 स्लॉट्स को टेस्ट किया गया, तो वही MPG2 में केवल 20 स्लॉट्स से ज्यादा जो वैसे ही बढ़ाते हैं तो पिक्चर क्वालिटी जो है ना बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है। तो जितने भी आपने अभी देखे हैं कि डीडी फ्रीडिश में MPG2 के चैनल आ रहे हैं, वो सभी के सभी 20 से ज्यादा चैनल नहीं है, 20 से नीचे हैं या 20 ही हैं, और उसे जैसे ही ऊपर ये स्लॉट बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसीज के अंदर लोड बढ़ना शुरू हो जाता है और पिक्चर क्वालिटी खराब होनी शुरू हो जाती है, तो जो हमारे लिए बेहतर भी नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए डीडी फ्रीडिश अभी टेस्टिंग पर है, अभी MPG4 की टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है, कुछ भी नहीं पता अचानक से हमारे लिए इन्हीं फ्रीक्वेंसीज को MPG2 में टेस्ट करना शुरू कर दिया जाए और देखा जाए कि MPG2 में ये कितना चैनल्स को ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आपको कुछ समय और प्रतीक्षा करनी होगी, अभी ऑफिशियली शुरू नहीं हुए और वैसे भी अभी तक ई ऑक्शन की अनाउंसमेंट भी नहीं हुई, तो जब तक ई ऑक्शन की जानकारी नहीं आ जाती तब तक इन स्लॉट्स को बढ़ाना या ना बढ़ाना एक बराबर है, और फिलहाल आपको थोड़ा सा और प्रतीक्षा करने की जरूरत पड़ेगी। तो जो भी आपके मन में सवाल चल रहे थे, उम्मीद करता हूं कि आपको उनके जवाब मिल गए होंगे। अभी जो फ्रीक्वेंसीज है वो टेस्टिंग पर चल रही थी, अभी तक ऑफिशियली ऐड नहीं हुई थी, इसीलिए फिलहाल इन फ्रीक्वेंसीज को ऑफ कर दिया गया है। आने वाले समय में इन फ्रीक्वेंसीज को वापस से जो है चालू या शुरू किया जा सकता है, या फिर उनको MPG2 में भी टेस्ट किया जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या रहना चाहिए सही, MPG2 में टेस्ट किया जाए या MPG4 में ऐड किया जाए? जो भी आपके मन में सवाल चल रहे हो नीचे अपने कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। नमस्कार।